Hansi Rathod. पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद ईश्वर से उनके स्वास्थ्य की कामना की है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में पूरा मध्य प्रदेश ठप पड़ा है और अब मुख्यमंत्री ही संक्रमित हो गए हैं, तो आम जन का क्या होगा। पूर्व मंत्री शर्मा ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के कोरोना पॉजिटिव होने की पूर्व से ही शंका थी, वह हमने कल भी कहा था। उन्होंने कहा कि इससे पहले सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद शंका और बढ़ गई थी क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार उनसे संपर्क में थे। पीसी शर्मा ने आगे कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के कोरोना पॉजिटिव होने से आम जन के जीवन पर असर पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर में आज से लॉकडाउन लागू हुआ है, इससे पहले भी प्रदेश के अन्य शहरों में लगा हुआ था, जिससे जनता त्रस्त हो गई थी। उन्होंने सीएम के चीफ सेक्रेटरी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी टेस्ट करवाने की सलाह दी है। इसकी शंका थी पहले से, कल ही मैंने कहा था जब मंत्री अरविंद भदौरिया जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो लग रहा था कि मुख्यमंत्री के साथ उनकी मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग हुई, वो तो लखनऊ भी गए थे, इसलिए संभावनाएं थी पूरी सी। मैंने कहा था कि टेस्ट कराए और क्वारंटाइन हो। ये निश्चित तौर पर एक गंभीर घटना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब कोरोना पॉजिटिव होंगे तो एक आम आदमी का क्या होगा, एक छोटे से छोटे आदमी का क्या होगा। वैसे ही मध्य प्रदेश पूरा का पूरा यहाँ की जनता, आम आदमी कोरोना की वजह से सब परेशान है, काम धंधे लोगों के बंद हो गए हैं। 10 दिन का लॉकडाउन भोपाल में है, इसके पहले ग्वालियर मुरैना में हुआ, पूरा मध्य प्रदेश ठप पड़ा हुआ। जब मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर पूरा प्रदेश में प्रशासन ठप हो जाएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो कोरोना से बहुत जल्दी बाहर आएँ।